हेलो स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान। आज हम करने वाले हैं हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको क्या है, आपको इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा बता देती हूँ फटाफट। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे के अंदर आपको 80 नंबर का पेपर पूरा करना है और इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, कंपल्सरी रहेगा, ठीक है, जो सभी यूनिवर्सिटी के लिए, मैं देखो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आती हूँ, कोई भी क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करती हूँ, मैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए बताती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कॉमन पॉइंट तो आपको नजर आता है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, CRS यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, CBLU, CDLU, GGU, IGU, इग्नू यूनिवर्सिटी, कोई भी है, खानपुर यूनिवर्सिटी, उन सभी का जो पैटर्न रहता है एग्जाम के अंदर, जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ क्या है, 50-70% सिमिलर रहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर आपको जो कंपलसरी क्वेश्चन करना है वो क्या है, देखो मैं फटाफट पढ़ के बता देती हूँ। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व क्या है, चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ है ये। ऑब्जेक्टिव ऑफ एमलगमेशन क्या है, ये चैप्टर नंबर, आई होप ये 7 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर से है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। सोर्स ऑफ बायबैक ऑफ अ शेयर, ये चैप्टर नंबर 1 से है ये, ठीक है। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या है, ये चैप्टर नंबर, कंटीजेंट लाइबिलिटी आपको वैसे कॉमन पता होगा, जो अचानक से हो जाती है या फिर आप उसको क्या है बैलेंस शीट के अंदर भी शो नहीं करते हैं, ये वो लाइबिलिटी है, ठीक है। देखो ये कुछ एक बेसिक से छोटे मोटे ये पॉइंट्स हैं जो हर एक क्वेश्चन पेपर में आए हैं। जब मैं कोई भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ ना, वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए होता है, ठीक है। ये बच्चे हिंदी के अंदर देख लीजिए, और मैंने ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाया था, क्योंकि मुझे भी खुद बोरिंग वे से पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, बच्चों को थोड़ा सा इंजॉय से पढ़ाना अच्छा लगता है। अगर किसी ने कंपनी लॉ मुझसे पढ़ी है तो सबको पता होगा कि मैंने किस तरह से पढ़ाया था, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर का लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिकल है, आपको नजर आ रहा होगा, शेयर इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर से है ये क्वेश्चन, ठीक है। मेरे पास अभी बुक नहीं है, अदरवाइज मैं चैप्टर नंबर भी बता देती, क्वेश्चन को देख के हाँ ये बता सकती हूँ कि ये चैप्टर कौन सा है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अदरवाइज मैं इसका सिलेबस कंप्लीट ही करवा देती, क्योंकि जैसे मैंने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाया है, ओनली 1 चैप्टर रहता है वो, उसको छोड़ के अगर आप सारा कर जाओगे तो नॉर्मल सी बात आप इजी से पास हो जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिकल है, मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगी, आप देख सकते हैं इशू ऑफ द शेयर वाले चैप्टर से आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है जी। हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए आराम से, देख लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो थ्योरी का है, एक्सप्लेन द बोनस शेयर, बोनस शेयर क्या होता है, एक्सप्लेन द गाइडेंस इशू बाय द सेबी फॉर इशू ऑफ द बोनस शेयर विद जर्नल एंट्री। देखो और पास इन द इशू ऑफ द बोनस शेयर, ये जो क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 1 से है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक से ही, ठीक है। बोनस शेयर हो गया, राइट शेयर हो गया, बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स हो गया, ये सभी पॉइंट्स है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। 0 कूपन बॉन्ड हो गया है, मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ऑलरेडी अपलोड बस आनी रहती है, बना चुकी हूँ मैं, मेरे यहाँ से जाने से पहले मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, ठीक है। सो उनके ऊपर भी वीडियो जल्द ही आपके पास आ जाएगी, ठीक है। शॉर्ट नोट आएंगे, जैसे कि 0 कूपन बॉन्ड क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन के ऊपर आता है क्वेश्चन एज पर द 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। गुडविल वाले चैप्टर से प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नज़र आ गया होगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिबेंचर से है ये, रिडम्पशंस वाले टॉपिक है ये, डिबेंचर रिडम्पशन फंड दे रखा है आपको, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको, गवर्नमेंट 9% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज बता रखे हैं, IDBI के परचेज बता रखे हैं, ये इलिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल है डिबेंचर्स वाले चैप्टर से। देखो कुछ एक सिलेक्टेड चैप्टर से प्रैक्टिकल आते हैं, देखो अब आपका थर्ड सेमेस्टर है, फर्स्ट पार्ट है कॉर्पोरेट अकाउंट का, तो इशू ऑफ द शेयर से आपका प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है, डिबेंचर्स वाले चैप्टर से आता है। अगर गुडविल का चैप्टर है तो गुडविल वाले चैप्टर से आपके प्रैक्टिकल आते हैं, ठीक है। अदर चैप्टर जितने बच गए ना, जैसे कि आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है, एमलगमेशन वाला चैप्टर है ना, और वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल के अंदर टाइप ऑफ द गुड मैथड्स आते हैं, इसके 3 तरह के मैथड है ना, एवरेज, सुपर और एक कैपिटलाइजेशन, ये मैथड्स भी बहुत बार रिपीट किए गए हैं। कुछ एक बेसिक से देखो, 6-7 चैप्टर में आपके 9 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो नॉर्मल सी बात है एक चैप्टर कहीं ना कहीं, ये सभी चैप्टर आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये प्रैक्टिकल चलता जा रहा है, आप देख लीजिए इसको, बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप आसानी से आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं।
बहुत ही आसान पेपर आए हुए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। देखो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या आया हुआ है, एक सेकंड। देखो लिखा हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। देखो आगे ना, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, डिबेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कस करना है। ये तीनों पॉइंट आपके 5-5 नंबर में पूछे गए हैं, ठीक है। आप इसको बिल्कुल आराम से, मतलब बहुत ही कॉमन पॉइंट है, मैं बोल रही हूँ बहुत ही रिपीटेड पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, आसान पॉइंट है, आप इसको कर सकते हो। स्किप करके बिल्कुल भी मत जाना इन तीनों पॉइंट्स को, ठीक है। अब आपका आ जाता है सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो ये भी प्रैक्टिकल है, इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर आता है फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी, यहाँ से आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का डमी एक्से कहते हैं ना कि इमेजिनरी फिगर से ड्रॉ करो, या फिर बैलेंस शीट इमेजिनरी फिगर से ड्रॉ करो, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, और ऐसे प्रैक्टिकल में भी प्रॉपर वे से पूछ सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन अ प्रॉपर फॉर्म आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इन सभी तरह की एडजस्टमेंट को आपको प्रॉपर देखना है, और फिर आपको क्या करना है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार करना है। हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए। देखो क्या है प्रैक्टिकल, अगर मैं पढ़ के बताने लग गई, अब देखो 10 से 12 मिनट की वीडियो बनेगी तो वो तब 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि जब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो बनाई थी, इनकम टैक्स की वीडियो बनाई थी ना, क्वेश्चन पेपर की 2015 से लेकर 2022 तक की, तो बहुत 50 से 60 मिनट की वीडियो बन गई थी। मैं नहीं चाहती आपका इतना टाइम वेस्ट हो, बट हाँ वो तो ज़्यादा 7 से 8 सालों के पिछले प्रीवियस ईयर थे, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग, बट आपका तो बहुत इजी है, 7-8 चैप्टर हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की ओर, क्या लिखा हुआ है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट्स बनाना है, और साथ में कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स क्या होते हैं। देखो कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जो आपको क्या है, आप एग्जाम्पल देकर उसको आसानी से समझा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको देखो सेकंड पॉइंट जो है ना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इसको डमी एग्जाम्पल दीजिए, और साथ में अपने क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैंने बताया था, ठीक है, कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए और किस तरह से हमें पेपर के अंदर स्पीड करनी चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम पहुँचते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है 8, क्या कह रहा है कि फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ द स्मॉल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 की दी हुई है, आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पहले तो देखो ये इन्फॉर्मेशन देख लो क्या दी हुई है, प्रैक्टिकल को रीड आउट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है जी। आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है लायबिलिटी साइड की और एसेट साइड की, और एसेट्स में भी नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स दी हुई है, और आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, शेयर होल्डर अकाउंट बनाना है, और बैंक अकाउंट बनाना है, इन सभी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से, ठीक है जी। हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए। देखो कंपनी लॉ का सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का हो चुका है, उन सभी वीडियोस का लिंक क्या है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और अब हम पहुंचते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका ये हो गया थ्योरी प्रैक्टिकल जो पॉइंट था आपका 8th क्वेश्चन था। अब पहुंचते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी, एंड सेकंड क्या है, अल्टरेशन एंड रिडक्शन ऑफ अ शेयर कैपिटल, कैसे हम शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकते हैं, कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ना, अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो नॉर्मल ये मैंने आपको कंपनी लॉ के अंदर भी करवाया था, किस तरह से हम अपने शेयर कैपिटल के अंदर बदलाव ला सकते हैं, क्या क्या हमें प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वाला जो पॉइंट है, ये आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है जी। आई होप आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर था बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, हमें एक स्पेसिफिक स्टूडेंट ने सेंड किया था कि मैम जिस तरह से आप हमारी हेल्प कर पा रहे थे, इसी तरह से आप बाकी बच्चों की भी हेल्प कर दो। सो उस स्टूडेंट की हेल्प से क्या है, आपको हेल्प मिल चुकी है। तो आप भी आपका क्वेश्चन पेपर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू या फिर हमारे ईमेल के।